स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं साउथ कोरियन मूवी डूड इन मी। ये तो मूवी की शुरुआत में हम पैनसू नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ रहता है। पूरे दिन गुंडों की फौज लेके घूमता रहता है, मतलब समझ लो बहुत बड़ा गैंगस्टर तो है ही, और लोगों को डरा धमका कर इनकी चीजों को छीनना और उनको हाथ पैर काट देना अगर वो लोग मना करे तो, यही इसका काम होता है। रात को हम इसके बॉस को देखते हैं और यही में पता चलता है कि इसके ससुर इनकी ग्रुप का लीडर है, मतलब सबसे बड़ा गैंगस्टर वही है। यहाँ पर पैनसू रेस्टोरेंट में जाता है और इस रेस्टोरेंट में ये हमेशा आया करता है बचपन से और यहाँ पर नूडल खाता है। उसी रेस्टोरेंट में हम एक डरपोक से स्टूडेंट किम को देखते हैं जो कि इतना डरपोक है कि खाते हुए भी कांप रहा होता है। बिल देने के टाइम किम कहता है कि मेरा पर्स खो गया है, इसलिए पैनसू इसका बिल भी पे कर देता है। और ये जो शॉप ओनर होती है इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं और ये इसके ऊपर अजीब तरीके से नजरें डाल रही होती है। और यहाँ से हम किम को देखते हैं स्कूल की छत पर जो कि अपने जूतों को उतार रहा होता है स्कूल के एज पर खड़ा होकर, और तभी वहाँ से नीचे गिर जाता है और नीचे खड़ा होता है पैनसू और ये सीधा उसके ऊपर जाकर गिरता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और इनकी हॉस्पिटल में आंखें खुलती है। दोनों की जब आंखें खुलती है तो बॉडी चेंज हो गई होती है, मतलब किम की आत्मा पैनसू में आ गई है और पैनसू की आत्मा किम के अंदर घुस चुकी होती है। दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। किम बेहोश हो जाता है, यानी कि जो पैनसू की बॉडी है जिसके अंदर किम है वो बेहोश हो जाता है। और तब यहाँ पर किम के फादर भी आ जाते हैं और ये वही पर्सन है जिसे पैनसू शुरू में फैक्ट्री में जाकर डरा धमका रहा था। यहाँ डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे किम की मेमोरी लॉस हो गई है। अब इनको क्या पता कि मेमोरी लॉस नहीं हुई बल्कि किम के अंदर पैनसू की आत्मा घुस गई है। फिर इसके फादर किम को लेकर स्कूल जाते हैं क्योंकि इन्हें उड़ती उड़ती खबर मिली है कि किम को स्कूल में बुली किया जाता है। पर स्कूल वाले टालमटोल करते हैं, कुछ खास जवाब देते नहीं है, पर पैनसू को पता चल जाता है कि किम को जिसकी बॉडी में है उसको बुली किया जाता है। इसलिए पैनसू क्लास में जाता है और बुली इसे परेशान करने लगते हैं, चिढ़ाते रहते हैं और ये सबको पहचानने लग जाता है कि कौन कौन ये सब करता है। और पूरे स्कूल में वो नोटिस करता है कि किस किस स्टूडेंट को बुली किया जाता है और कौन कौन कर रहा होता है ये सब। और यहीं पर इसको पता चलता है कि किम को, यानी इसको इसलिए बुली किया जाता था क्योंकि ये मोटा है। और यहीं पर कुछ लड़कियां हैं जिनकी हालत भी ज्यादा खराब कर रखी है बुलीज ने। एक बार सबकी पहचान कर लेने के बाद पैनसू इन्हें खूब मारता है इस उम्मीद में कि ये सुधर जाएंगे। पर जैसा कि हमें पता है कि बुलीज के अंदर चुल होती है कि जब तक वो किसी को बुली ना कर ले सो नहीं पाते वो चैन से, इसलिए वो इन सब को छोड़कर अब दूसरे कमजोर बच्चों को पकड़ के पीटने लग जाते हैं। पैनसू इन्हें देख लेता है और फिर से बहुत मारता है और बुली का फोन छीन लेता है। उसमें एक वीडियो मिलती है जब किम छत पर गिरा था तो इन बुलीज ने उसको बुली करके उसके जूते को वहां लटकाया था और उसकी वीडियोस भी बनाई थी, वो सारी वीडियो इसके अंदर होती है। पैनसू समझ जाता है कि ये सब कैसे हुआ था और फिर बुली के पास आता है, इसका फोन देता है और कहता है कि अगर आगे से कुछ ऐसा किया तो मैं सीधा तुझे पुलिस में दे दूंगा। दूसरी तरफ हम पैनसू की बॉडी में किम को देखते हैं जो कि अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। तो इसकी वाइफ यहाँ पर नया मुर्गा फंसा कर उसके साथ घूम फिर रही है, मजे कर रही होती है। पैनसू का बॉस इसकी वाइफ को पकड़ लेता है और फिर हॉस्पिटल जाता है पैनसू के पास उसको बताने के लिए। और यहाँ पर पैनसू बैठा हुआ है किम की बॉडी में, ये कहता है कि मैं पैनसू हूँ। इसका बॉस भरोसा नहीं करता, कहता पागल है क्या। पैनसू इसे कुछ सीक्रेट बताता है जिससे इसको भरोसा हो जाता है कि हाँ सच में इसके अंदर पैनसू घुसा हुआ है। अगले दिन पैनसू उस लड़की से मिलता है जिसे बुली होने से इसने बचाया था। तभी इस लड़की की मोम यहाँ पर आ जाती है जिसे देख पैनसू शॉक हो जाता है क्योंकि पैनसू की एक्स गर्लफ्रेंड है ये, और मतलब जिस लड़की को इसने बताया ये इसकी बेटी है। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि सिंगल मदर है और जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तो पैनसू इसको छोड़कर भाग गया था और ये जब से इसकी बेटी को पाल रही है। अब ये देखकर इसको बहुत बड़ा सदमा सा लग जाता है, इसलिए डीएनए का सोचता है और सबसे पहले जाकर अपनी बॉडी जो कि हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है उसके बाल निकालता है और फिर इस लड़की से लड़ाई झगड़ा करके इसके बाल को नोच लेता है। और डीएनए का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आता है, मतलब ये लड़की इसकी बेटी है। और ये समझ जाता है कि इतने दिनों से इसकी बेटी को स्कूल में बुली कर रहे थे ये सारे। अब ये सब देख के ये लड़की को फाइट करना सिखाने लग जाता है और इसकी मोम से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि ये इसकी एक्स है। अब कुछ दिन के हार्डवर्क के बाद फाइनली ये मोटी बॉडी को छोड़कर मस्त स्लिम फिट हो जाता है जिसे देख कर लड़की यहाँ स्कूल में पिघलने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और स्कूल के बाद ये अपने घर आता है, मतलब जहाँ इसकी बेटी रहती है, और इसके बचपन की फोटोज़ देखता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसता है कि मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ को, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे छोड़कर भाग गया। एक रात किम के फादर काम से आ रहे होते हैं तो उसको कुछ गुंडे रास्ते में पकड़ के मारने पीटने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर पैनसू आ जाता है किम की बॉडी में जो है, बट इसके फादर इसको फाइट से दूर रहने को कहते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा यहाँ पर पिटाई खा ले। और गुंडे इसके फादर को मार मार के बेहोश कर देते हैं। पैनसू अपने साथी यानी कि अपने बॉस से बोलकर उन गुंडों की अच्छी खासी धुलाई करवाता है। और यहाँ स्कूल में इसकी बेटी भी बुलीज को पीटने लगी है जैसे कि उसने सिखा दिया कि कैसे लड़ाई की जाती है। एक दिन इसकी वाइफ पर एक नशेड़ी अटैक कर देता है। पैनसू अगर इसको पीट देता है और अपनी एक्स को बताता है कि मैं पैनसू हूँ, इसकी एक्स सुन के खुश नहीं होती क्योंकि ये हमेशा इससे गुस्सा रहती है क्योंकि ये इसको छोड़कर चला गया था सालों पहले। अगले दिन स्कूल में इसकी बेटी को एक लड़का पार्टी के लिए इनवाइट करता है। आज तक किसी ने इसको पार्टी में नहीं बुलाया होता है और ये लड़की जब पार्टी का नाम सुनती है तो एक बार में हाँ बोल देती है।
और यहाँ पार्टी में पुलिस उस लड़की को बुलाकर उसके साथ गलत करने का प्लान बना रहे होते हैं और इस सारी बात एक लड़का सुन लेता है। या पैंसो अपनी एक्स के साथ सब कुछ ठीक करने में लगा हो, उसको लेकर एक जगह डेट पर जाता है और यहाँ ये मानती नहीं तो इसको ये किस कर लेता है। अब ये देख के और भड़क जाती है और इसको पीट देती है। तभी एक स्टूडेंट कॉल करके पैंसो को बताता है कि इसकी बेटी, वो तो इसको फ्रेंड बोलेगा कि तुम्हारी फ्रेंड प्रॉब्लम में, आकर बचा लो, और ये पार्टी में जाता है। यहाँ इस लड़की के साथ ये लोग बहुत गलत कर रहे होते, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पैंसो यहाँ आकर इनको अच्छे से लेसन सिखाता है, मार पीट देता है इनको, और फिर यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। और तभी पैंसो का जो बॉस होता है उसको कॉल करके ये भी बता देता है कि तेरी बीबी कल की होली, मतलब भाग गई किसी के साथ, अब कर ले क्या कर लेगा। और यहाँ इसकी बेटी इसको पसंद करने लगी है, पर पैंसो इसको मना कर देता है क्योंकि ये इसका फादर है, इसको तो नहीं पता लड़की को कि ये मेरा फादर है, उसको तो लगता है मेरा फ्रेंड है जो क्लासमेट है। अब फिर पैंसो का बॉस अब पैंसो की बॉडी के पास गया हुआ है और इसको मारने की कोशिश करता है, जो कि किम अंदर घुसा हुआ है। तभी किम उठ के बैठ जाता है और बॉस इसको देख के डर के गिर के बेहोश हो जाता है। किम उठ के धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी डरपोक लड़का है, और उसके फादर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको पापा कहता है। और तभी पैंसो आता है यहाँ पर और इनको बताता है कि हमारी बॉडी एक्सचेंज हो गई है और बाकी सारी चीज़ें। और अगले दिन दोनों पैंसो की एक्स के घर जाते हैं। तभी यहाँ पर पैंसो का बॉस आ जाता है गुंडे लेकर और यह लड़ाई होने लग जाती है। पैंसो इनको मारता है खूब, बट ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। और तभी इसकी एक्स अंदर से सिलेंडर लेकर आती है, कहती है भागे नहीं तो सबको जला के मार दूंगी यहाँ से। और ये होते हैं एक नंबर के डरपोक, सारे भाग जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर पैंसो की एक्स पैंसो की रियल बॉडी को देखती है और फिर इमोशनल हो जाती है, उसको हक करती है और फिर माफ कर देती है। पैंसो को इसके बड़े बॉस यानी कि इसके ससुर का बुलावा आ जाता है। पैंसो खुद तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो किम की बॉडी में, इसलिए किम को भेजता ही है। और यहाँ पर इसकी कान में एयरफोन लगा रखा है ताकि जो जो ये बोले वहाँ पर ये बोल सके, और कॉल पर बता रहा होता है कि क्या क्या बोलना है। यहाँ पैंसो की वाइफ है, मामला ये है कि पैंसो की वाइफ ने इसे चीट किया है, पर ये कहती है कि ये खुद बहुत बड़ा चीटर है, इसकी एक बेटी भी है, मुझे पता चला है। तभी बाहर से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर किम को सब कुछ खुद बोलना पड़ेगा और ये कहता है कि मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ, बला 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 भागो यहाँ से, और ऐसे बाहर चला जाता है। बाहर जब आता है तो पैंसो इसको हक कर लेता है कि चलो मुझे उस नर्क से बाहर तो निकाला इसने कम से कम। और फिर इसकी वाइफ आती है गाड़ी लेकर और दोनों को उड़ाने का सोचती है, पर पैंसो किम को बचा लेता है। और पैंसो का एक्सीडेंट होता है और ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपनी बेटी को सब बताता है यहाँ पर और बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर किम भी बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं इसके बाद 6 महीने बाद का सीन। सब कुछ ठीक हो गया होता है, दोनों अपनी अपनी बॉडी में नॉर्मल आ गए हैं। किम स्कूल जाता है और अब ये डरता नहीं किसी से और ना इसको कोई बुली करता है। और पैंसो अपनी फैमिली यानी कि अपनी एक्स के साथ रहता है और अपनी बेटी के साथ, और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिल्म अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।